मालदीव के तीन मंत्रियों के भारत पर दिए विवादित बयान के बाद देश के भीतर लोगों में आक्रोश है। भारत की आम जनता समेत यहां के सेलिब्रिटी और तमाम लोग बायकॉट मालदीव का अभियान चला रहे हैं। लेकिन इस बीच जो विदेशी पर्यटक मालदीव पहुंचे हैं उनकी तरफ से भी रिएक्शन आए हैं। भारत को लेकर विदेशी टूरिस्ट में काफी ज्यादा अट्रैक्शन है। इसका जीता जागता सबूत यह है कि मालदीव की धरती पर पहुंचकर भी ये टूरिस्ट भारत का गुणगान कर रहे हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी हाल ही के दिनों में लक्षद्वीप की यात्रा पर पहुंचे थे। यहां आने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर आप भी प्रकृति की सुंदरता और एडवेंचर का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो लक्षद्वीप जरूर आइए। इसके बाद मालदीव के नेताओं और मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी। इटली से आए फ्रैंक बिस्टोनी मालदीव के धिपुसी द्वीप पर पहुंचे हैं। फ्रैंक ने कहा कि मैं गोवा और मुंबई जा चुका हूं। मुझे भारत में यहां की जगहें, यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति और रंग पसंद आए। उन्होंने कहा कि यहां पर सनसेट कमाल का है। फ्रैंक ने कहा कि मुझे भारत काफी ज्यादा पसंद है और हम करीब 10 से 12 दिन वहां पर रहे थे। कुछ ऐसी ही बातें आयरिश टूरिस्ट एलन ट्रेसी ने कही। उन्होंने बताया कि वह 3 बार भारत जा चुकी हैं और उन्हें ये देश काफी पसंद है। आयरिश टूरिस्ट ने कहा कि भारत के अंडमान द्वीप पर बिताया गया उनका समय काफी ज्यादा खूबसूरत था। बता दें कि हाल ही के दिनों में लक्षद्वीप का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। पीएम मोदी के दौरे के बाद गूगल सर्च में भी लक्षद्वीप का नाम काफी ज्यादा आया है। इसके अलावा आम भारतीयों के साथ साथ इंडियन सेलेब्स ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट की थी। भारत सरकार ने आने वाले वक्त में लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने का इरादा कर लिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मालदीव के 3 जूनियर मंत्रियों के अपमानजनक बयान ने टूरिस्ट पैराडाइज की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मालदीव भारतीय पर्यटकों का बायकॉट झेल रहा है। पर्यटन देश की आय का सबसे मजबूत जरिया है। पिछले साल मालदीव जाने वाले कुल पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह भारतीय था। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान लगभग 1/3 है। बीते साल के मालदीव सरकार के आंकड़े कहते हैं कि टूरिस्टों के मामले में भारत सबसे आगे है। देश की अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा पर्यटन से आता है। मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। साथ ही साथ मालदीव के मंत्रियों ने लक्षद्वीप को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया था। अभी मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। ये कहा जा सकता है कि तल्ख होते रिश्तों के बाद भी मालदीव का काम भारत और भारतीयों के बगैर नहीं चल सकता है। एक्सपर्ट्स भारतीयों की बड़ी संख्या इस देश की मशीनरी को चलाने का काम करती है। टूरिज्म से लेकर हेल्थ केयर सिस्टम में बगैर भारतीयों के वहां कोई भी काम नहीं हो सकता। मालदीव के कई अहम सेक्टर्स को भारतीय एक्सपर्ट संभालते हैं। ये काफी कम्युनिटी के तौर पर वहां रहती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।